बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मज़ेदार फूड्स। आज हम बनाने वाले हैं भुना हुआ गोश्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में हम 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, और जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है तो अब हम इसमें 1/2 kg बीफ ऐड कर लेंगे और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक के गोश्त का पानी ड्राई ना हो जाए और गोश्त हमारा अच्छे से भुन ना जाए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और हम उसको अच्छी तरह भुनेंगे ताकि लहसुन अदरक जो है गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हम लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें हसबे जायका नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम 3 से 4 कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे और इसमें हम 2 कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक गोश्त और टमाटर दोनों गल नहीं जाएं। अब आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अभी कच्चा है और पानी भी अभी उसमें मौजूद है, तो हम इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 20 मिनट हमने मज़ीद पकने दिया है तो आप देख सकते हैं गोश्त भी गल गया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब आप देखें इसका रोगन भी ऊपर आ गया है और गोश्त हमारा खूबसूरत भी लग रहा है दिखने में भी, और ये कुछ जायका भी यकीनन होगा। तो आप इसको बनाएं और ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ेदार होगा। तो अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं मज़ेदार भुना हुआ गोश्त तैयार है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।